गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हियर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेजेस इन दिस विलेजेस, कंडीशन ऑफ पीपल एंड फार्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है वो आपका पालमपुर है, पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं और फिर से जो है एक रीजन के तौर पर मैं आज लास्ट इसको कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पालमपुर गाँव की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, यह भारत के लगभग सारे गाँव में ऐसी ही कहानी पाई जाती है और जो है ऐसे ही तरह के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। इस गांव में आपने देखा कि इस गांव में किस तरह के लोग हैं, तो गांव में जो है किसान है, किसान कितने प्रकार के हैं ये भी आपने देखा। किसान जो है वो तीन प्रकार के हैं। नंबर वन, जो लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज्यादा जमीन होती है, जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर, उसको मिडिल क्लास कहा जाता है, यानी कि मिडिल स्केल फार्मर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल की 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है उसको हम लोग मिडिल स्केल स्मॉल स्केल कहते हैं, बिल्कुल जमीन नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लैंडलेस फार्मर कहते हैं। तो इस गांव में जो है लगभग 450 परिवार हैं, ठीक है, और 450 परिवार में 150 परिवार जो है वो लैंडलेस है, ये बात आप जानते हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल है, जो है स्मॉल ऐसे परिवार स्मॉल स्केल फार्मर्स में आते हैं, और मात्र 60 ऐसे परिवार है जो लार्ज या मिडिल स्केल फार्मर में आते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये 150 लोग जो है ये 60 लोग के यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना, ये 50 लोग जो है इन 60 लोगों के यहाँ काम करते हैं, यह बात आप जानते हैं। और ये 240 परिवार, ये जो 240 परिवार है ये अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर ही खेतों में काम करते हैं, ठीक है। ये 240 परिवार है, ये जो है क्या है, ये अपने साथ लोगों अपने ही परिवार के लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, एक टॉपिक हमने चर्चा किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, उससे पहले हमने एक्टिविटीज की चर्चा की थी। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो इनकम के लिए की जाती है उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो केवल प्लेजर अपनी खुशी के लिए की जाती है उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी डिवीजन है मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग। मार्केट के लिए अगर आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मार्केटिंग, और केवल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गुड्स जो है आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केटिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की चर्चा यहाँ पर हुई। तो पालमपुर गाँव में सबसे पहले अगर हमको एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री करना है तो हमको क्या समझना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, फैक्टर्स एंड मीनिंग क्या होगा, इस फैक्टर कौन कौन होंगे और इसका मीनिंग क्या होगा। मीनिंग है कि ऐसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिससे लोगों के का भलाई होता है, ठीक है, इसमें ऐसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिससे लोगों को फायदा और नौकरियां मिलती हैं, ठीक है। और इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर्स में ही आता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन आता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का 2 हो गया, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में आपको आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल। विदाउट ह्यूमन तो कुछ है ही नहीं, जब तक मनुष्य नहीं होगा प्रोडक्शन कैसे होगा,
तो ह्यूमन कैपिटल, तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड और वर्किंग होता है और ह्यूमन कैपिटल। अब हम लोग समझेंगे फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड और वर्किंग का क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड का मतलब होता है ये ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। फिक्स्ड कैपिटल वो होगा जो ड्यूरेबल इन नेचर होगा और कई समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है ना। फिक्स्ड वो होगा जिसको कई समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, वो बदलते रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। वर्किंग का मतलब होता है चेंज होता रहना, जैसे मनी है, रॉ मटेरियल है, ये सब हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो कैपिटल चेंज होता रहेगा, जो फिक्स है उसको फिक्स कैपिटल कहेंगे, ड्यूरेबल है, ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईयरली चाहे टाइम पर उसको हमको बदलना पड़े उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल में ही स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोग आ जाते हैं, ठीक है। स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड लोग आ जाते हैं, तो यह बात आप समझ गए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले जो है ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले जो है इनको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर करना हो या इंडस्ट्री लगानी हो, ठीक है। उसके बाद लेबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। हालांकि हमने क्लासिफिकेशन में देखा है कि स्मॉल स्केल फार्मर लेबर हायर नहीं करते, स्मॉल स्केल फार्मर जो है वो लेबर हायर नहीं करते, तो फिर लेबर का मीनिंग क्या रहा, वहां पर उनके फैमिली मेंबर ही लेबर का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी जमीन नहीं होती है, उतनी जमीन नहीं होती है, इसलिए जो है उनके फैमिली मेंबर ही उनके लिए लेबर का काम करते हैं, लेबर तो है ही वहां। उसके बाद वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर हायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से जो है यह हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं। तो यहां पर आपके सामने लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल जो है वो क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पालमपुर गांव की कंडीशन की बात करेंगे, वो गांव कैसा है। तो सब लोग जानते हैं गांव की कुल जमीन कितनी है, 226 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पर टोटल लैंड कितना है, टोटल एरिया ऑफ विलेज, टोटल ऑफ एरिया ऑफ विलेज क्या है, टोटल एरिया ऑफ विलेज है 226 हेक्टेयर, ठीक है। 226 हेक्टेयर जो है इस गांव का क्या है, वो विलेज का एरिया है, ठीक है। 226 जो है इस गांव का एरिया है, ठीक है। 226 जो है वो इस गांव में जो है वो टोटल हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। अब इस में 200 और 26 दो डिफरेंस है, 226 200 क्या है, 200 हेक्टेयर जो है वो इरिगेटेड लैंड है, यानी कि 2 हेक्टेयर में खेती होती है, 200 हेक्टेयर में, 200 हेक्टेयर में खेती होती है, 26 हेक्टेयर जो होता है, तो जो 26 हेक्टेयर है ये जो है रहने के लिए, गांव के लिए यानी विलेज के लिए जो है, विलेज या फिर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विलेज और मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे 200 हेक्टेयर इरिगेटेड है, ठीक है, और 26 हेक्टेयर जो है वहां विलेज और जो है इंडस्ट्रीज के लिए या मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गांव में अन इरिगेटेड लैंड बिल्कुल जीरो है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि सिंचाई विहीन यहां पर जमीन नहीं है, यहां पर जो भी जमीन पर खेती होती है सिंचाई की सुविधा है, जो इस गांव के लिए काफी अच्छा है। जिस गांव में यह सुविधा होगी उस गांव को काफी फायदा होगा और साल भर में ज्यादा फसलों की खेती वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इस गांव के एजुकेशन की बात करें तो इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ होना जरूरी है, इसके बाद के चैप्टर में हम लोगों को इसी बात को समझना भी है। अगर स्कूल नहीं होंगे तो कैसे जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा रिसोर्स। हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लैंड है, लेबर, तो लेबर तो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता है वहां,
ह्यूमन कैपिटल को डेवलप होना होगा, लेबर भी है उसको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसका शोषण हर जगह होगा, एक्सप्लॉयटेशन जो होगा वो हर जगह होगा। इसलिए स्कूल होने चाहिए। तो यह इस गांव में है कि यहाँ पर दो प्राइमरी स्कूल भी और एक हाई स्कूल भी है, बच्चे पढ़ सकते हैं। दूसरी सुविधा यह है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक जो है आपको प्राइवेट डिस्पेंसरी निजी दवाखाना है, ये भी अच्छी बात है। हेल्थ के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। जहाँ तक मार्केट की बात करें तो कुछ जनरल स्टोर्स है यहाँ पर। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्ट टेलीफोन और टेलीविजन भी है यहाँ पर। और इसके नियरेस्ट टाउन की बात करें तो शाहपुर, इसके नजदीक में सहारा। ये सारी सुविधाएं जो प्राय गांव में नहीं होती है यहाँ है, और अब जाके हमारे देश के गांव में ये सारी सुविधाएं हो रही है। खास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा भी हम लोग करेंगे। 26 हेक्टेयर जो है, 26 हेक्टेयर कुल भूमि जो है उसका क्षेत्रफल कितना है पूरे गाँव का? 226, ठीक है, 226। 200 हेक्टेयर पर खेती होती है। इरिगेटर का मतलब हो गया इरिगेशन फैसिलिटी पूरी तरह से मौजूद है, ठीक है ना, इरिगेशन फैसिलिटी पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन ये 26 हेक्टेयर जो ये गांव इसमें बसे हुए लोग बसे हुए मार्केट में है, यानी कि अनइरिगेटेड लैंड नहीं है, ऐसा कोई लैंड नहीं है जहाँ पर सिंचाई नहीं होती। ये तो अच्छी बात है ना, ये सिंचाई की सुविधा इतनी ज्यादा अच्छी होगी, खेती इतनी अच्छी होगी। खेती अगर हमको साल भर में 3 बार करना है, 2 बार ही करना है, तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए ना। आज के समय में मानसून पवनों पर तो निर्भर हम नहीं रह सकते। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में मानसून विंड्स के बारे में, उसका एक टाइम होता है, इसको ट्रेड विंड कहा जाता था, इस समय ट्रेड सपोर्ट करता था विंड्स। आज जो है उस तरह का विंड मूवमेंट नहीं रहा, पूरा बदल चुका है इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अरे मानसून डिले हो जाता है, तो मानसून पर डिपेंड होकर आज खरीफ क्रॉप की कृषि खेती नहीं हो सकती है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अलग से इरिगेशनल फैसिलिटीज हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड पंप की बात हो रही है। अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी का एवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छा हो तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड पंप के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को निकाल के यहाँ पर खेती की जा सकती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ठीक है। तो ये गांव की कुछ खासियत की चर्चा मैंने की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, और कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कुछ लोग अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा है। फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, और नॉन फार्मिंग का मतलब होता है अदर देन फार्मिंग एक्टिविटी। गांव में खेती के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार भी होते हैं, कोकर होते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक स्मिथ होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, क्या तो ये सब लोग जो होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले लोग, ठीक है। तो ये सब जो अलग से वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गया। अब फार्मिंग मेथड्स की बात करेंगे तो दो तरीकों से खेती होती है, एक होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग, एक होता है मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब हो गया ट्रेडिशनल इस परंपरागत पहले के नियमों के आधार पर, तो पुराने तरीके से खेती करना दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न मेथड। जैसे कि ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, खेती करने के बाद किसान जो है कुछ बीज को बचा कर रख देता है फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल सीड। जबकि आज हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल हो रहा है जो प्रोडक्शन काफी ज्यादा दे सकता है, उसकी कमियों की चर्चा भी मैंने की, प्रोडक्शन देता है लेकिन फॉर्डर नहीं है, अंडरग्राउंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन फिर भी जो है मॉडर्न में इसका इस्तेमाल होता है और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर थ्रेसर, बहुत सारे और नई मशीनें आ गई है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है, तो ये सारे मॉडर्न हो गए। और पुराने समय से जो एग्रीकल्चर चलता आ रहा है, जो नियमों को अपनाया जाता है, जिस तरीके से खेती की जाती थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। तो दो तरीके से खेती होती है। इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है और इस सुविधा की वजह से यहां पर इरिगेशनल सिस्टम काफी डेवलप्ड है, ठीक है। फार्मर ने यहां पर जो है पर्सनल जो क्या बोलते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, पर्सनल व्हील का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है, जो कि मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, उसके जगह पर इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, जिससे फायदा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, ज्यादा वाटर सप्लाई कर सकता है पर्सनल व्हील की तुलना में, और
जो है इससे समाज में इलेक्ट्रिसिटी है तो गांव में रोशनी होगी, सुविधाएं होगी, घर घर में जो है अब कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो किरोसिन ऑयल का यूज होता है वो कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। तो ये सुविधा गाँव में है और आज हम देखते हैं कि भारतीय गाँव में ये सारी सुविधाएँ जो है वो मौजूद है। इस तरह से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि इस गांव में लगभग सारी सुविधाएं जो है वो मौजूद है। ठीक है, इस पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आया जिसने सीड्स फर्टिलाइजर इरिगेशन फैसिलिटी सबको डेवलप, आधुनिक तरह के मशीनों का इस्तेमाल होगा, हाइब्रिड सीड्स होंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। और गेहूं की पैदावार को बढ़ाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि किसानों को ज्यादा उत्पादन मिला। ठीक है, उत्पादन ज्यादा मिला, मशीनों का इस्तेमाल किया गया, समय कम हुआ, कम समय में ज्यादा खेती हो सकती थी, पहले समय ज्यादा लगता था, खेती कम होती थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में मशीनों का इस्तेमाल पर फोकस किया गया तो समय कम, काम ज्यादा हो गया और इसका फायदा भी किसानों को मिलता रहा। ठीक है, तो यह एक तरह से मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक रिवीजन क्लियर कर रहा हूँ, जिसके साथ एक चैप्टर आज समाप्त भी हो जाएगा। आप सभी लोग सुन रहे होंगे, अपने अपने मैसेज बॉक्स में एक बार यस से रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही आसान है, आप पढ़े होंगे, जो टॉपिक्स थे उसको लगभग मैंने क्लियर कर दिया है और भी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा की, उसके एडवांटेजेस को चर्चा की। जब प्रारंभ में 1960 में यह हुआ उसके बाद से किसानों को काफी फायदा हुआ क्योंकि पैदावार बढ़ी, सीमित, क्योंकि आप इतने पहले भी पढ़ लिया है कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता है जमीन बढ़ता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी लॉ। ठीक है, यह आज भी लागू है, परिवार के बेटों के अंदर संपत्ति का बंटवारा होता था सदियों से, अब तो बेटियों को भी हिस्सा मिल गया है। ठीक है, तो पेरेंट अपने सारे बच्चों के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी का डिवीजन कर देते हैं या फिर उनके जाने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद ऑटोमेटिकली डिवाइड करो कर लेते हैं। तो इस डिवीजन के फलस्वरूप क्या स्थिति होगी, आपने बुक में देखा होगा फिगर कि जमीन कितना छोटा हो गया। मैंने चर्चा किया था कि लैंडलेस फार्मर के पास बिल्कुल लैंड नहीं है या नहीं, लैंडलेस फार्मर जो होते हैं उनके पास रहने तक के लिए लैंड होता है, खेती करने के लिए लैंड नहीं होता, रहने के लिए भी बहुत लिमिटेड लैंड होता है। ठीक है, एक कच्चा हाउस में, एक कमरे का कच्चा हाउस में वो लोग एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ जीते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पूर्वजों के पास जमीन नहीं था, लेकिन इसी हेरिटेज लॉ की वजह से संपत्ति बढ़ती चली गई और आज के जनरेशन के पास उतनी संपत्ति नहीं है, वो जमीन नहीं है, इससे वो खेती करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते। स्मॉल स्केल फार्मर्स, ठीक है, स्मॉल स्केल फार्मर्स में भी ये कहानी होगी आगे चलकर, उसमें भी कुछ लोग लैंडलेस कर हो जाए। तो ये जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस हो, जनसंख्या नियंत्रण हो। ठीक है, और सभी लोग इसका महत्व समझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग समझ रहे हैं और सरकार भी इसके लिए जो है लोगों को समझा रही है। तो इन समस्याओं से बचना है तो, ठीक है, बिल्कुल इन समस्याओं से बचना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो जमीन ऐसी हो जाएगी कि सब लोगों को फिर दूसरे के यहाँ ही काम करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखा, हालांकि जीडीपी में यह कहा जाता है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक बार दिल्ली से अपने मैसेज बॉक्स में कमेंट करें तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, अपने अपने मैसेज बॉक्स के माध्यम से शो करें कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताइए, गुड, यस राज नाइन ए, यस राज नाइन ए एंड श्रद्धा ओनली प्राइमरी, गुड आयुष राज, श्रद्धा नॉट सेकेंडरी, यू कैन क्लासिफाई इन डिफरेंट पार्ट। ओहो, ओनली थ्री स्टूडेंट, केवल तीन ही लोग जानते हैं, शॉर्ट में की एपीएसटी दिमाग में सेट कीजिए, गुड आदित्य श्रीवास्तव, पीएसटी शॉर्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल एंड टर्सरी सर्विस सेक्टर,
ये तो क्लास में ही याद रहना चाहिए था आप लोगों को, क्या प्राइमरी सेकेंडरी एंटर से सिंपल याद ना मगर पीएसटी प्राइमरी सेकेंडरी एंटर से प्राइमरी एग्रीकल्चर सेकेंडरी इंडस्ट्रियल एंटर से सर्विस, ठीक है। तो कहा जाता है कि सेकेंडरी और टर्सरी में जितना ज्यादा लोग इंगेज होंगे कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। फिर भी हमारा देश तो एग्रीकल्चर है, ज्यादातर लोग इस पर डिपेंड है, तो इसको इसकी सेक्टर पर भी इंप्रूवमेंट करना होगा। हालांकि डिपेंडेंस कम करने के लिए लोगों को दूसरे सेक्टर की ओर मूव करना ही होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर पर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ना ही होगा, ठीक है। ये भी बात सही है। तो यहाँ जहां तक हम इस गांव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गांव के लोग, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई जो है बाहर जाने वाली बात नहीं है, लोग जो है खेती करते हैं, जिनको पालन करते हैं, लैंडलेस फार्मर जो है वो लार्ज स्केल फार्मर के यहाँ काम करते हैं, ठीक है। शहर नजदीक में ही है और लोग जो है अपने प्रोडक्शन को बेचने भी जाते हैं, यह सुविधा है। पक्की सड़क है और पक्की सड़क की वजह से आसानी से जो है मार्केट कवर किए जा सकते हैं। यही कारण है कि सड़कों का निर्माण होना चाहिए और सरकार इस बात को ध्यान दे रही है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कमियों की चर्चा करें तो फायदे तो बहुत सारे दिखे और सब लोग जानते हैं, कमियां क्या थी। तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत फर्टिलाइजर को ज्यादा फोकस किया गया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, एसिडिटी या बेसिक होने की संभावना सॉइल की बढ़ गई, सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी पावर जो है वो कम होने लगा। इसके बाद क्या हो गया, लगातार ट्यूबवेल की वजह से ग्राउंड वाटर ऑब्टेन किया गया तो वाटर स्कार्सिटी की समस्याएं बढ़ गई, ठीक है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो थे वो लगातार यूज किए गए जिससे उनकी मात्रा भी घटने लगी। उसके बाद एक्सेसिव फर्टिलाइजर का सॉइल के साथ साथ ग्राउंड वाटर पर भी असर पड़ा। पढ़ेंगे बारे में बायो मॉडिफिकेशन, केमिकल एक्टिवेशन बढ़ा लीवर की ओर, फर्टिलाइजर जो है वो मूव कर गया, जब वर्षा हुई मिट्टी में डिसॉल्व मिनरल्स को बहा कर वो किसी रिवर सोर्स में ले गया और उसको जो है कंटामिनेट कर दिया, पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होना शुरू हो गया, ठीक है। बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिज्म जो थे बैक्टीरिया वो इस एक्सेसिव पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की वजह से मारे गए, ठीक है। 1960 के बाद से पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में कई जो जमीन थी वो अल्कलाइनिटी जो अल्कलाइन हो गई एक्सेसिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने। तो यह एक समस्या जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको शो किया 226 करके टाइप्स ऑफ फार्मर आप सब लोग जानते हैं, जो मैंने लिख दिया था लार्ज स्केल स्मॉल स्केल एंड बताइए लार्ज स्केल कितने लोग हैं इस गांव में, कितने लोग लार्ज स्केल पे हैं, अपने अपने मैसेज बॉक्स से कमेंट करें जल्दी। बिल्कुल गुड, लार्ज स्केल 60 फ्रॉम प्रकाश कुमार, 80 गलत हो गया, प्रकाश कुमार नहीं यस का सही है, हिमांशु कुमार 90 फ्रॉम निशा 90 गुड, 60 हिमांशु कुमार 90 गुड, आदित्य श्रीवास्तव गुड, नो श्रद्धा आदित्य श्रीवास्तव 60 श्रद्धा लाइनस की चर्चा में नहीं कर रहा, राजकुमार 60 गुड, तरुण कुमार रॉम 90, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लैंडलेस की, तो सात परिवार ऐसे है, तुरंत मैंने समझाया आपके लिए स्थिति बहुत बच्चे गड़बड़ हो गए, नोट लीजिए ना अपने पास नोटबुक रख के फटाक से लिख लीजिए उसको, तुरंत मैं समझाया कि लार्ज स्केल फैमिलीज इस गांव में पालमपुर गांव में कितनी है, 60 लोग जो है वो लार्ज स्केल फार्मर के हैं, स्मॉल स्केल फार्मर के 240 और लैंडलेस कितने हैं, लैंडलेस है 150, टोटल हो गया 450। इस गांव में 450 परिवार है, ठीक है ना, इस गांव में कितने परिवार है 450, 60 कितने हो गए जो अमीर परिवार है कि जो लैंड लॉर्ड्स है जमींदार लोगों के 60 परिवार, छोटे किसानों के 240, भूमिहीन के 150 परिवार और कुल मिला के 450 परिवार का यह गांव है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि पहला क्वेश्चन है लेबर कौन देता है, लैंड तो है जो लैंडलेस है तो लैंड के पास लैंड नहीं है रहने के लिए, याद रखेंगे लैंडलेस फार्मर के पास बिल्कुल लैंड नहीं होता, यह बात नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स के पास
रहने के लिए जमीन होती है, खेती के लिए जमीन नहीं होती, या हो सकता है उनके पास रहने के लिए भी जमीन हो, ठीक है, दोनों परिसर हो सकता है। आप जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद होंगे वो पता कर लेंगे, जो मजदूर होते हैं उनके पास रहने के लिए जमीन होती है, तो बातें यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल फार्मर्स के क्षेत्र में, क्योंकि इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, 2 हेक्टेयर ज्यादा की जमीन है, तो इन खेतों में कौन काम करता है, लैंडलेस काम करता है, लैंडलेस को मिल गया वर्क। और स्मॉल स्केल फार्मर जो है लेबर के लिए हायर नहीं करता लैंडलेस को, या अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पर यूज करता है, लैंड लेबर हो गया ना, क्लियर। अब आता है आपका फिजिकल ट्रैक्टर, फिजिकल ट्रैक्टर के लिए हम बात करेंगे, जो लार्ज स्केल फार्मर है उसके पास फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के लिए पर्याप्त जो है वो क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है, यानी कि पूंजी, ओवरऑल कैपिटल हम बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल उसके पास होता है, कैसे, क्योंकि उसके पास जमीन ज्यादा है, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होगा, इसे वो मार्केट में बेचेगा, उसके पास काफी जो है धन आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल जिसको वो सेव कर फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वही सेविंग उसका यूज होगा, तो उसको किसी से लेने की आवश्यकता है, कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा वो किसी को कर्ज दे सकता है, इतनी संपत्ति बड़े जमींदारों के पास होती है, इनको तो जो है वर्क करना है, इनको तो खेती करना नहीं है, इनको तो लेबर का वर्क करना है, लेकिन इनको खेती करनी है, तो इनके पास कहां से कैपिटल, यानी कि यहां पर फिजिकल कैपिटल की बात हो, स्मॉल स्केल फार्मर के पास फिजिकल कैपिटल कहां से आए, स्मॉल स्केल फार्मर के पास फिजिकल कैपिटल के लिए वो बोरो करेगा, ठीक है, मैंने बताया था बोरो मींस कर्ज लेना, वो ऐसे ही बड़े जमींदारों से कर्ज लेगा, गुड यस राज, लोन, वेरी गुड यस राज, क्लास 9A, इसकी स्थिति यहाँ स्क्रीन पर अच्छी है, हम एग्जामिनेशन अगर होता है, ठीक है, स्कूल ओपन होने के बाद, या फिर नहीं भी होता, प्रमोशन करने की बात कहीं आती है, याद रखिएगा कि स्क्रीन पर जो लोग जवाब दे रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं उसी आधार पर प्रमोशन हो, तो इस तरह से जो है एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि लोन के द्वारा स्मॉल स्केल फार्मर का ये लोन किससे लेगा, इन लोगों से लेगा या मनी लेंडर से, ठीक है। अब यहाँ पर लोन लेने का एक्टिविटी हम बताए थे, लोन के एक्टिविटीज में इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, तो यहाँ इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कोई फिक्स रेट नहीं होता, मनमाने रेट पर लोन दिया जाता है, और किसान उस मनमाने रेट पर लोन देता है, बर्डन किसान पर होता है, ठीक है। तो लोन के द्वारा जो है यहाँ पर कैपिटल अरेंज किया जाता है, ठीक है, चूंकि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता, ये मार्केटिंग ज्यादा कर नहीं पाते, ठीक है, सब्सिस्टेंस ही रह जाता है, सस्टेनेबल, ठीक है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेस को कंजर्व करना और प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल करते रहना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस गांव में कुछ नन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है, नन फार्मिंग का मतलब हो गया कि खेती को छोड़कर, तो यहाँ पर लोग जो है डेयरी फार्मिंग करते हैं, नन फार्मिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं नन फार्मिंग का मतलब हो गया खेती नहीं करना, ठीक है। तो नन फार्मिंग में यहाँ पर डेयरी फार्मिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, शॉपकीपर्स और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपर्स, डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपर्स, स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। अब बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा मैं चाहूंगा करना, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं कि पालनपुर गांव में तो ऑलरेडी 200 जो है लैंड इरिगेटेड है, यानी कि 226/26 में 200 लैंड जो है वो इरिगेटेड है, लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसा होता कि मात्र 100 होता और 100 अनइरिगेटेड होता, तो क्या इरिगेशन बढ़ाया जाना चाहिए,
अगर 200 में 100 ही जो है हेक्टेयर पर एग्रीकल्चर इरिगेशन की सुविधा होती तो क्या इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल यस, बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे तो किसान ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर खेती करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है कौन कौन से तरीकों से खेती हो सकती है, किसान जो है किस तरह से प्रॉफिट कमा सकता है, तो मिक्स्ड फार्मिंग करके भी वो एग्रीकल्चर कर सकता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग आप पढ़ेंगे बारे में, इंटरक्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब तरीका होता है जिससे द्वारा किसान जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, एक हेक्टेयर लैंड पर किसान जो है किस तरह से काम करता है, एक छोटा किसान जो जिसके पास एक हेक्टेयर लैंड है वो कैसे काम करता है, वो ट्रैक्टर की जगह जो है क्या प्लाउ का इस्तेमाल करता है और क्या प्लॉगिंग के लिए प्लाउ का इस्तेमाल करता है, वो सीड को हाथों से छींटकर स्प्रिंकलर हाथों से छींटकर जो है वो लगा सकता है। ठीक है, पर्सियन मिल के द्वारा, चूंकि एक हेक्टेयर जमीन है ज्यादा उसके पास पूंजी नहीं है तो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल मेथड को वो फोकस करेगा, पर्सियन मिल के द्वारा जो है वो सिंचाई करेगा और जो है मैनुअल तरीके से वो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा और क्रॉप को अपने हाथों से ही काटेगा, एक हेक्टेयर लैंड पर इस तरह से वो कृषि करेगा, मैनुअल तरीके को ट्रेडिशनल मेथड पर ज्यादा फोकस है। लेकिन यहाँ दो हेक्टेयर ज्यादा जमीन हो गई, जमीन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं चलेगा, ज्यादा मुनाफा कमाना होगा तो मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करके जो है वहां खेती कर देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो है मैंने लगभग इस चैप्टर का सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। ठीक है, और आपने पढ़ भी लिया होगा और किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्रॉप्स जुड़ा हुआ है। अभी मैंने चर्चा किया ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, तो पुराने तरीके से हल बैल को लेकर खेतों में गए, हाथों से बीज छींट दिए, ठीक है, पर्सियन कैनल होता था पहले, उससे पानी को हाथ से घुमाते थे, उसमें डब्बा लगा होता था और डब्बा से पानी गिरता था, वायु के बुक में आपने देखा होगा, मोर ढकेली ये सब ट्रेडिशनल मेथड भी आपने ये समय पढ़ा होगा। ठीक है, नाली बनाकर वो खेतों में कैनल बनाकर जाते थे, कैनल में पानी गिराते थे और कैनल सोता हुआ। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो कहलाता है आपका ट्रेडिशनल। ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न तरीकों पर फोकस किया, ठीक है, टूल्स पर फोकस किया, हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, मैन्यूर से पहले खेती होती थी, अब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, इन चीजों को फोकस किया गया। जब इन चीजों को फोकस किया गया तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया। लेकिन आपने ये भी देख लिया है कि इनकी वजह से अल्कलाइन जो है वो सॉइल होता जा रहा है, एसिडिक या बेसिक होने की संभावना सॉइल की बढ़ रही है, सॉइल अपना नेचुरल फर्टिलिटी को रहा, इसके साथ साथ हमारे बॉडी पर भी उस केमिकल का असर पड़ रहा। किसान एसिडिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, प्रोडक्शन तो काफी हो जाता है, वो केमिकल उस ग्रेन में उस फूड आइटम में जो है मिक्स होता है, जब वो आइटम हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी में आकर वो केमिकल एक्युमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड द बायोआइडेंटिफिकेशन, और हमारे पूरे बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को जो हमारा बॉडी का इंटरनल है जो बायोलॉजी में कहलाती है, तो पूरे बॉडी के चेंजेस को ही वो बदलने लगता है, जिसकी वजह से आज कम ही उम्र में हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पहले के लोग, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो लोग 60 साल 70 साल 80 साल उम्र में हटे करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, खेती करते हैं हाथ में कुदाल लेकर, या फिर अगर बैल हो या फिर ट्रैक्टर हो तो ट्रैक्टर भी चला देते हो, या खेतों में पूरा घूम करा जाते हैं। लेकिन आप लोग उनके जगह पर निकलिएगा तो चक्रा की गिर जाइए, कहेगा हम नहीं चल पाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे, घर के बगल में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलने लगे तो आपको लगेगा कि हम चक्रा की गिर जाएंगे। तो ये जो वीकनेस आ गया है ये क्यों आ गया है, ये सब उसी केमिकल वाले फूड से आ गया, वो लोग उस समय में प्योर फूड लेते थे, आज हम लोग इम्प्योर लेते हैं। ठीक है, ये सब कारण है, तो इससे जो है खैर इन सभी चीज़ों से बचने का प्रयास करना है। खैर आप बस तो सकते नहीं है कि जो भी आइटम आज आपको मिलेगा, इवन मिल्क भी आप पीते हैं तो वो भी केमिकल मिक्स ही है। ठीक है, उसके लिए भी कई तरह की दवाइयाँ और खिलाई जाती हैं, दवा दिया जाता है मवेशियों को, वो भी असल आपको दिखेगा, तो खैर आपको समय वही हो गया। तो आपका ये चैप्टर आपका खत्म हुआ इकोनॉमिक्स का। ठीक है,
हाई यील्डिंग वैरायटी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। आप चिंता नहीं कर रहे, मॉडर्न फार्मिंग पर चैप्टर 3 बायो का आपका है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा और इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बना लेंगे, और अगर प्रॉब्लम होता है तो कल जो है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, और साथ ही शुरू करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोगों का जो चैनल शुरू हुआ है उससे आप लोग सही बच्चे जुड़े, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, ठीक है, और सारे वीडियो को देखे लाइक करें। आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बहुत सारी बातें जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो कॉम्पिटेटिव क्लास नहीं किए थे तो उनको भी फायदा होगा, और 9-10 की भी जो है कुछ बातें उसमें चर्चा हो रही है, और 9-10 का वीडियो भी जा रहा है। तो सारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक जरूर कीजिए, और अपने रिलेटिव से अपने दोस्तों को कहिए कि वो उनसे जुड़े, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग अपने अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को कहिए, अगर आपके भाई बहन है दोस्त हैं उन सभी को कहिए कि सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी लाइक करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मीटिंग ओवर।